तो हेलो एंड ऑफ बैन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज होने वाला है ये रॉयल रंबल मैच, और जो भी ये रॉयल रंबल जीतेगा वो बनेगा नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। यानी कि रॉयल रंबल में डोमिनिक मिस्टीरियो तो लगे ही हुए हैं, लेकिन कौन से नंबर पे आएंगे तो मुझे ही नहीं पता है। खैर, अगर पहले ही चालू हो जाते हैं जिंदर महल के साथ, या जिंदर महल भी कौन से नंबर पे आएंगे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जिंदर महल के साथ चालू हो जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो सेकेंड नंबर पे, तो ऑफ कोर्स हो सकता है आज नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कोई और बन जाए। खैर, ये सब तो मैच जब चालू होगा तब पता करेंगे हम लोग। मैं बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था। और जो भी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनेगा वो जाएगा स्पीड चैंपियन टेरबी एलिन को फेस करने के लिए। तो आओ इस रॉयल रंबल मैच को करते हैं चालू, लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ, फर्स्ट मुस्तफा अली और जिंदर महल कर रहे हैं चालू, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा ये देखने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो की दांव पे लगी हुई है। और ऑफ कोर्स डोमिनिक कौन से नंबर पे आएंगे ये भी सरप्राइज ही होने वाला है। रॉयल रंबल 10 मैन ही सुपर स्टार की है, मतलब ऑफ कोर्स 10 ही लोग आएंगे, लेकिन कौन कौन कब आने वाला है ये तो मुझे पता ही नहीं। हो सकता है 1 नंबर पे जो लड़ रहा है वही जीत जाए, हो सकता है आखिरी में जो आए वो जीत जाए, हो सकता है 9 नंबर पे जो आए वो जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो जिसके पास भी नॉर्थ अमेरिकन टाइटल लेने वाला है ना, वही डेरबी एलिन को फेस करने के लिए जाएगा उनके स्पीड टाइटल के लिए। और स्पीड टाइटल जीतना ऑफ कोर्स आसान तो होता नहीं है, ड्रॉ हो जाता है अक्सर वो मैच, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। और ड्रॉ क्या, कभी कभार डेरबी जीत भी जाते हैं, एक बार डेरबी जीते इसीलिए तो चैंपियन है। खैर, उसके बाद से ड्रॉ ही हो रहा है। मैं ऐसा चाहूँगा कि आज ड्रॉ ना हो कम से कम, देखते हैं। खैर, जब वो मैच चालू होगा तब उसकी बात करेंगे। मुस्तफ़ा अली एक मूव मिस कर गए, कैज़र आ गए, और मैं तो चाहूँगा कि कैज़र के दुश्मन शेमस भी जल्दी से आ जाए। यार फिर आ जाओ शेमस, कहाँ हो फिर, आ जाओ जल्दी से, कम ऑन शेमस, यू कैन डू दिस शेमस। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ शेमस मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन शेमस कौन से नंबर पे आएंगे इसमें मेरा बस नहीं है अभी के लिए। यहाँ पे जिंदर महल को फेंकने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन दोनों मिलके भी नीचे नहीं फेंक पाए। कोई बात नहीं, मुस्तफ़ा अली और कैज़र फेल हो गए जिंदर को नीचे फेंकने के लिए। और अब मुझे लगता है कि खल्लास कभी भी आ सकता है। खल्लास आएगा या नहीं आएगा ये तो खैर बाद में सोचेंगे, अभी के लिए मेरे ख्याल से कैज़र को ये उठपटांग मूव नहीं लगाने चाहिए, है ना। कैज़र देखो फिर उठपटांग मूव लगाने गए, उठपटांग मूव लगाओगे भाई पक्का हार जाओगे। खैर, अभी के लिए हारना नहीं है, तो कोशिश करो कि ऑफकोर्स जिंदर महल से बच के रहो। खैर, एक सुप्लेक्स आ सकता था, लेकिन इस कैज़र में कन्वर्ट किया रिवर्सल और पैर पे हमला। मुस्तफ़ा अली और कैज़र एक टीम बन के खेल रहे लग रहा है, ठीक है टीम बन के खेलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे से लग रहा। तो टोमासो चैम्पा आ गए स्पीड टाइटल जीतने के हकदार, तो ये भी हैं। खैर, अभी देखते क्या होगा। रिकोशेट को मैं जल्दी रहूँगा, रिकोशेट जल्दी आएंगे मेरे गेम में, वापसी करेंगे। ऑफकोर्स अच्छी WWE में अभी नहीं आ रहे तो क्या हुआ, और मुझे लगता भी नहीं आएंगे यार, लेकिन रिकोशेट को हम खिलाएंगे, जब भी खिलाएंगे उनको मौका उनका मिलेगा। जब तक वो ऑफकोर्स मेरे गेम में, जब तक मौका मिलेगा। अभी के लिए देखते हैं कि चैंपा भैया क्या करेंगे। खैर, चैंपा भैया आप क्या करेंगे, जीत सकते हैं चैंपा, और अच्छा खेलते हैं। इनको दिया मैंने बस बहुत दिनों के बाद है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या ये जीत सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप और जा सकते हैं स्पीड टाइटल के लिए। खैर, अभी के लिए चैंपा अच्छा खेल रहे हैं। जिंदर महल कब से पिटे जा रहे हैं मुस्तफ़ा अली से, कैज़र भी पिटे जा रहे हैं, कुछ खास चल नहीं रहा है कैज़र का भी। ओके, निकले कॉर्नर पे गए चैंपा, लेकिन चैंपा बाहर नहीं होंगे क्योंकि मुस्तफ़ा अली और कैज़र लड़ने लगे। और अब जिंदर महल फिर से मेरे ख्याल से हमला करने जा रहे थे, लेकिन रुक गए, ठीक है अच्छी बात है। ये देख के रुक गया कि मुस्तफ़ा अली को बाहर करा जा सकता है, लेकिन मदद कर दो जिंदर महल तो क्या हो गया। फिलहाल के लिए मदद तो करी नहीं, शेमस आ गया। और चलो कैज़र, अब तुम्हारा बाहर निकलने का समय आ गया क्या, क्योंकि शेमस आ गए, और शेमस को ज़्यादा देर रोकना मेरे ख्याल से गेम के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि कैज़र को देखते ही शेमस आ नहीं थे यार, शेमस को पसंद ही नहीं है आदमी, क्योंकि इतनी बार ये डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं ना इन्हें कि ऑफकोर्स शेमस तो कहेंगे अभी मैं बाहर निकालूंगा तुमको। खैर, मुस्तफ़ा अली बचे, तो बार तो चैंपा थोड़े से बच गए चिड़ी के, और गजब का बैक ब्रेकर, खतरनाक तरीके से चैंपा इसीलिए जीतना डिजर्व करते हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं यार। फिलहाल खेल ये अभी देखना ये है कि चैंपा क्या जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए चैंपा कॉर्नर पे, खतरनाक यहाँ पे एक एल्बो आती हुई, चैंपा थोड़े से पागल हो गए उसके बाद। लेकिन अब अगला अपोनेंट कौन आएगा, कौन आने वाले हैं अगला, क्योंकि मैंने कुछ ही प्लेयर सेलेक्ट किए, बाकी प्लेयर रैंडम ही सेलेक्ट हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन आने वाला है।
तो ऑफ कोर्स, और मुझे याद भी नहीं है कौन कौन सेलेक्ट किया है। डोमिनिक को मैंने करा था क्योंकि चैंपियन है भाई, और बाकी सेबस को करा था, लेकिन बाकी कौन आने वाला है मेरे को ही कोई आइडिया नहीं है। खैर मुस्तफ़ा अली का टाटा हो गया है, मुस्तफ़ा अली नहीं कर पाए, मुस्तफ़ा अली फिर बाहर हो गए। मुस्तफ़ा अली को कितने मौके दिए मैंने, उन्होंने सब गवा दिए, क्या कर सकते हैं। अब बैरोन कॉर्बिन आ गए, इनको मैंने नहीं लगाया था, ये खुद से आए। खैर बैरोन कॉर्बिन आ चुके हैं, बैरोन कॉर्बिन एंड ऑफ डेज मारेंगे क्या? स्पीड चैंपियनशिप के लिए जब जाएंगे तो क्या अपनी स्पीड दिखा पाएंगे? खतरनाक एक गजब का पाए ड्राइवर आया ये, ठीक है, खतरनाक चैंपा की तरफ से पाए ड्राइवर आता हुआ। शेमस उधर अच्छा खेल रहे हैं, ऑफकोर्स स्पीड चैम्पियनशिप इसीलिए मैंने करी थी कि जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं मौका नहीं देता उन्हें भी मौका दे पाऊँ। खैर अभी के लिए यहाँ पे किक दे के रोक दिया है कैजर को, शेमस और कैजर की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन चैंपा बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और चैंपा पीटे गए नहीं, कैजर ने मुंह रिवर्सल कर दिया है। सबसे पहला एलिमिनेशन मुस्तफ़ा अली का हुआ है, पर नहीं मुस्तफ़ा कैसे जीतेंगे भाई? हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश मैंने की कि इनको लिया जाए, चलो मुस्तफ़ा अली को, लेकिन ये जीत नहीं पाते हैं। दिक्कत इस बात की, इस बार रॉयल रंबल से सबसे पहला एलिमिनेशन हो गया है। खैर अब क्या ही करेंगे मुस्तफ़ा अली, इसके बाद नहीं पता। खैर ब्रॉक की कहा सकती थी, लेकिन ब्रॉक केक के बीच में चैंपा आ गए, कोई बात नहीं, कैजर को बाहर करने के लिए अब शेमस क्या करेंगे? शेमस बाहर निकालने जा रहे हैं, और यहाँ से कैजर होंगे बाहर, शेमस लेंगे अपना बदला, और आर्ट्रूथ आ गए सात नंबर पे, और यहाँ पे एक नॉर्मल पंच बैरोन कॉर्बिन की तरफ से, एक गजब का मूव शेमस की तरफ से, और आर्ट्रूथ आ गए हैं तो कभी भी लाइट डिटेक्टर लग सकता है। वैसे फिनिशर लाना उसके लिए ज़रूरी है, और अपने आप को सीना ना समझे तो बेहतर। खैर आर्ट्रूथ की बैंड बज रही है, सीना ही समझ लो भाई, सीना ही समझ लो अपने आप को, शायद रॉयल रंबल ही जीत जाओ, ए मार के पार कर दो सबको, मैं तो यही कहूँगा। खैर सीना मोड ऑन कर लो अपना आर्ट्रूथ भाई, ये सोच के खेलो कि तुम सीना हो, ये सोच के मत खेलो कि तुम आर्ट्रूथ हो। खैर बैक ब्रेकर, एक और बैक ब्रेकर, और उधर से क्लोज लाइन भी आ गई है, वहाँ पर बैरोन कॉर्बिन स्टंड भी हो गए, तीन तीन बैक ब्रेकर भी पड़ गए, खतरनाक नेक ब्रेकर भी पड़ गया है के अंदर, तहलका मच रहा है। और तो मासूद चैंपा का मूव रिवर्सल हो गया है, जिंदर महाल पहले नंबर से टिके हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी पहले ही नंबर पर आ जाएंगे। खैर अभी के लिए शेमस का एक और एलिमिनेशन, बाहर गए चैंपा और शेमस, यहाँ पे आग लगाते हुए शेमस, ऑफकोर्स रॉयल रंबल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वैसे इस बार क्या रॉयल रंबल में क्या शेमस आएंगे, मुश्किल है, मज़ा आएगा। खैर अभी के लिए डीजैक आ गए, चलो डीजैक, इनको मैंने कभी खिलाया नहीं है, पता नहीं कैसा खेले। भाई डोमिनिक कहाँ रह गए? डोमिनिक भाई तुम चैंपियन हो, कहाँ रह गए डोमिनिक? अरे जल्दी से, खैर डोमिनिक पता नहीं कब आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आ जाए तो बेहतर। दसवें नंबर पे आएंगे तो हो सकता है भाई जीत जाए, लेकिन दसवें से क्यों आ रहे हैं? डोमिनिक चैंपियन है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। और ऑफकोर्स रॉयल रंबल में इस वाले में तो लिव बचाने के लिए नहीं आएंगे, अभी के लिए जिंदर महल आर्ट्रूथ डोमिनेट करते हुए आर्ट्रूथ स्पीड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे तो हो सकता है जीती जाए, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। खैर यहाँ पे डीजैक को शेमस मारते हुए, शेमस को थोड़ा और बस के खेलना पड़ेगा, देखो बस इतना ही कहूँगा। यहाँ पे जिंदर महल का डाटा शेमस ने कर दिया, शेमस एलिमिनेशन से एलिमिनेशन करते जा रहे, और ये ऐसे अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए हैं कि इनको रोक पाना मुश्किल हो रहा है। खैर शेमस का एक मूव आया, फिनिशिंग ही मूव था शायद, और ऑफकोर्स बैरोन कॉर्बिन हो गए डीजैक मारने जा रहे थे आर्ट्रूथ को, लेकिन आर्ट्रूथ बच गया। अब कौन आने वाला है, कौन आएगा अब? अब मुझे याद नहीं है कि अब दो प्लेयर कौन से बचे हुए हैं, एक तो डोमिनिक है इतना याद है, एक कौन है मुझे याद ही नहीं है। खैर अभी के लिए डर्टी डॉम आ चुके हैं नौवें नंबर पे, तो आखिरी प्लेयर कौन है यार, मेरी याद ऐसी खराब हो गई, कोई बात नहीं, आखिरी प्लेयर कौन है मेरे को याद नहीं आ रहा, जब आएंगे तब देख लेंगे। खैर अभी के लिए आखिरी है कौन, लेकिन अभी के लिए शेमस भी स्पीड चैंपियन बनने के हकदार हैं, आर्ट्रूथ जी, वैसे ऑफकोर्स आर्ट्रूथ का पता नहीं, लेकिन आर्ट्रूथ जी सकते जरूर। एंड ऑफ डेज चले, एंड ऑफ डेज के बाद डीजैक की हालत होगी खराब, लेकिन डीजैक को बाहर निकालने के लिए अभी मशक्कत करनी पड़ेगी, और शेमस ने वो मौका ताड़ लिया है, शेमस ने वो मौका ताड़ लिया है, और शेमस मेरे ख्याल से डीजैक को बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, डीजैक का टाटा हो गया है। और यहाँ पे आर्ट्रूथ अभी शेमस को मारते हुए, लेकिन कोई फ़ायदा होगा क्या उसका? टॉम नॉम बाहर मत हो जाना, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप से हाथ धो बैठोगे। अब ऑफकोर्स नौ नंबर पे आए हो तो वैसे ही परफॉर्मेंस भी दो, वैसे डोमिनिक के बस का नहीं है, लेकिन मे भी ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स शेमस को स्टंड कर दिया गया, आखिरी में कौन सा प्लेयर आने वाला है वो पता चल जाएगा। ए होगा कनेक्ट, जॉन सीना की पावर आर्ट्रूथ के साथ, एक शॉट घुमा के लेना बनता था, वो मैंने ले लिया है। ओह इल्जा आ गए, खैर एक बैक ब्रेकर आर्ट्रूथ को पड़ा, इल्जा दौड़ते हुए आ रहे भाई साहब, आखिरी में इल्जा थे, ठीक है इल्जा आ गए। डीप सिक्स कनेक्ट, डीप सिक्स भी लग गया है, और अब मुझे नहीं लगता कि आर्ट्रूथ के लिए रॉयल रंबल सफल हो पाएगा, फिलहाल के लिए आर्ट्रूथ गए बाहर। मैंने कहा था शेमस का एक और एलिमिनेशन,
छह मास पे नजर बनाए रखो भाई, कितने एलिमिनेशन कर रहे। इल्जा क्या जीत सकते, पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन अभी इनमें से ही कोई जीतेगा क्योंकि सारे प्लेयर्स आ चुके और डोमिनिक की हालत खराब अभी से लग रही है। खैर डोमिनिक जीतेंगे क्या अभी के लिए, यहाँ पे बैरोन कवर पे हमारे बाहर हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, जाओ जाओ, बच गए, बच गए। वहाँ पे इल्जा अपना फिनिशर ला के दे सकते डोमिनिक को, लेकिन डोमिनिक के मूव रिवर्स कर जाएंगे, मतलब लगा ही नहीं पाएंगे, रिवर्स क्या कर जाएंगे, बहुत गंदा मूव लगाने का ट्राई किया उन्होंने। खैर एक पीछे से क्लोज लाइन थे, मतलब अभी भी इस मैच में टिके हुए हैं, क्या जीत सकते हैं। और यहाँ पे एक एल्बो बैरन कॉर्बिन की तरफ से, बैरन कॉर्बिन जब खेलते थे ऑफकोर्स तो बहुत खतरनाक खेलते थे यार, ऑफकोर्स अब मुझे ज़्यादा दिखते नहीं है, हाँ स्मैकडाउन में थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, लेकिन लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी के लिए, देखते हैं क्या है फिलहाल के लिए। बैरन कॉर्बिन मैंने एनएक्सटी में लड़ते हुए देखा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि लड़ भी रहे या नहीं। खैर कॉर्बिन भाई मैंने मौका दिया है इसका कमाल लो अभी के लिए, तो यही कहूँगा। और अभी के लिए कॉर्नर पे सेटल तो किया था इल्जा को, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अब शेबस मारेंगे इल्जा को, और अभी इल्जा और शेबस की एक फाइट हुई थी जिसमें ऑफकोर्स ड्रू मैकइंटायर नहीं जीते थे, ना ही शेबस जीते थे, जीता कौन था, इल्जा जीता था। वही प्रेडिक्शन मैच याद कर लिया, ऑफकोर्स वो प्रेडिक्शन मेरा फेल हो गया, लेकिन जीते मेरे गेम में इल्जा ही थे, नेक्स्ट चैंपियन इसलिए बने हुए हैं, आज के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी बन जाएंगे। खैर हो सकता है बन जाए, शेमस बाहर होने वाले, शेमस बाहर होने वाले हैं लगता तो है, लेकिन क्या होंगे। शेमस को दो लोग मिलके बाहर नहीं कर पाए डोमिनिक, हो रहे भाई, नहीं बच गए, दो लोग मिलके बाहर नहीं कर पाए शेमस को। अब शेमस बाहर होंगे कैसे आखिर, खैर शेमस का तो पता नहीं, लेकिन बैरन कॉर्बिन का भी मुझे अब थोड़ा सा संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। मैं कैमरा थोड़ा इधर की तरफ रखता हूँ, और ऑफकोर्स जिससे कि सारे मूव दिखते रहे। यहाँ पे इल्जा बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है, और इनको जितने भी नाम दिया है मैट ड्रैगन का, बिल्कुल सही नाम दिया है, क्योंकि ये एक तरीके से मैट ड्रैगन ही है। क्या मैट ड्रैगन जीत पाएंगे, क्या हमारे शेमस जीत पाएंगे, क्या हमारे डर्टी डॉम जीत पाएंगे। दर वैसे तो मुझे मुश्किल है डर्टी डॉम का जीतना लगता है ऐसा, लेकिन हो सकता है जीत जाए, आज किस्मत चमक जाए। क्या बैरन कॉर्बिन जीत के डर्बी के बाद जा सकते हैं, कोई जीत सकता है, लेकिन जीतेगा कौन। अब मैं बोलता हूँ शेमस जीतने वाले भाई, शेमस अभी के लिए एलिमिनेशन नहीं कर पाए। डोमिनिक भी बाल बाल बच गए, ओके डोमिनिक बचे, शेमस बचे, और डोमिनिक का ये ड्रॉप केक आता हुआ, और यहाँ पे लगता है इल्जा एक प्लेयर को बाहर करने वाले हैं, जो काम हो गया है खराब, शेमस और एलिमिनेट हो गए। मुझे लग रहा था जीतेंगे, लेकिन नहीं, बाहर कर दिया गया है शेमस को इस रॉयल रंबल से। एक पावर बॉम्ब के बाद सीधा क्लोज लाइन खाएंगे इल्जा, क्या इल्जा बाहर होने वाले। इल्जा को अपना वही वो टक्कर वाला मूव देना चाहिए। खैर यहाँ पे एंड ऑफ डेज, बैरन कॉर्बिन सबसे खतरनाक खेल रहे हैं, बाप रे बाप, यहाँ पे दोनों ही प्लेयर पे डोमिनेट करते हुए बैरन कॉर्बिन, इनका तजुर्बा बोल रहा है, डोमिनिक के पास तजुर्बा तो छोड़ो कुछ नहीं है यार, इनके पास बस आपको चीटिंग करनी आती है इन्हें। खैर मजाक कर रहा हूँ, अभी के लिए डीप सिक्स भी करें डोमिनिक का डाटा, इल्जा और बैरन कॉर्बिन बचेंगे लगता तो है। क्या डोमिनिक जाने वाले हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गए गए गए, बच गए। अभी के लिए टक्कर वाला शॉट, इस मूव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसे टक्कर वाला शॉट बोल रहा हूँ। खैर टक्कर वाले शॉट के बाद क्या जीत पाएंगे हमारे मैट ड्रैगन। वैसे तो बैरन कॉर्बिन बाहर हो सकते हैं, बाहर तो करो भाई, बाहर करो, हाँ बैरन कॉर्बिन गए, डोमिनिक बचे हैं, ओके ये कट सीन भी आ गया है। कट सीन आने के बाद डोमिनिक इल्जा कौन जीतेगा इस मैच को, ओके डोमिनिक इल्जा, देखते हैं क्या होने वाला है। क्या डोमिनिक जीत पाएंगे, क्या हमारे मैट ड्रैगन जीत पाएंगे, दोनों ही जीतने के हकदार हैं। ये यहाँ पे खतरनाक मार दिया स्पीयर, और काम हो गया है खराब, क्योंकि डोमिनिक जीतने वाले हैं इस रॉयल रंबल को। डोमिनिक ने कहा कि मेरी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन मैं ही अपने पास रखूँगा, और इसकी टाइटल के भी मैं ही जाऊंगा डर्बी एलन के पास। चलो खैर ये वीडियो इधर खत्म होता है, और जल्दी से डर्बी एलन के पास चलते हैं। तो जैसा कि रॉयल रंबल मैच जीत चुके हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और ऑफकोर्स उन्होंने किसी को जीतने नहीं दिया। दो मिनट के लगा था शेमस जीतेंगे, बहुत एलिमिनेशन किया यार रॉयल रंबल से। दो मिनट के लगा कि बैरन कॉर्बिन जीत सकते हैं, फिर लगा कि इल्जा जीत सकते हैं आखिरी में आए, लेकिन नौ नंबर वाले प्लेयर ने कहा मेरा नाम ऐसे ही डर्टी डॉम नहीं पड़ा है, मैं वही बनना हूँ जिसने रे मिस्टीरियो को मारने से पहले दो मिनट नहीं सोचा था। तो ऑफकोर्स नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन गए, आज के स्पीड चैंपियन भी बन जाएंगे। देखते हैं जल्दी से इस मैच को शुरू करके, लेट्स गो।
तो ये चीज पैटर्न के लिए मुकाबला इधर चालू होता हुआ डेल भी है लेकिन शुरुआत में ही डोमिनेट करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो पे। क्या डोमिनिक जीत सकते हैं? अगर ये मुकाबला वापस से ड्रॉ होता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स इतना कम टाइम में ड्रॉ होता है तो होने दो। डेल भी इतने काबिल है कि वो मैच को ड्रॉ करवाए दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर जीत सकते हैं डोमिनिक तो जीत लें, क्या ही दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर डोमिनिक जीत जाते हैं। लेकिन जितना टाइम चल रहा है उसी टाइम पीरियड में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। टाइम चालू हो ही चुका है, ऊपर घड़ी पर नजर बना के रखना, स्पीड मैच है और ऑफकोर्स ऐसा बात नहीं है। एक बार डेर्बी और रिकोशे ने ऑफकोर्स पिनफॉल वाले मैच पिनफॉल डेर्बी एरेन ने करके दिखाया है और डेर्बी ने कहा टाइम कम है तो क्या हुआ, मैं पिनफॉल कर सकता हूँ। खैर यहाँ पे रेजिलिंग है इनके पास, अगर चलो इस बार भी ड्रॉ होता है तो अगली बार जब भी स्वीट टाइटल करवाऊंगा इसका कहता हूँ कि रेजिलेंस नहीं दूंगा दोनों को ही, ठीक इतना कर सकता हूँ मैं। लेकिन पहले देखते हैं क्या इस बार भी ड्रॉ होने वाला है। टाइम जा रहा है डोमिनिक और गति दिखाओ, चैंपियन बनना है कि नहीं बनना है, और थोड़ी गति, कम ऑन डोमिनिक, यू कैन डू दिस, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जब मम्मी को भरोसा था यानी कि रिया रिपली को भरोसा था तो मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है, ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, लेट्स गो डोमिनिक। खराब है डेर्बी को मैं तो कह ही रहा हूँ। खैर अभी के लिए डोमिनिक के पास उनका सिग्नेचर आने वाला है, सिग्नेचर के बाद क्या कुछ कर पाएंगे ये मुश्किल है, मज़ा आएगा। खैर अभी के लिए यहाँ पे पैर फंसाया, टाइम तो अभी ठीक ही है, अभी कोई टाइम दिक्कत नहीं देगा क्योंकि अभी ऑफकोर्स बहुत टाइम है, लेकिन ये टाइम दो मिनट में बीत जाएगा और अभी के लिए रिवर्सल हो गया है। डेर्बी बार बार ऐसे रिवर्सल करते रहेंगे तो डोमिनिक उनकी चाल में फंस जाएंगे। डोमिनिक नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हो, अब स्ट्रीट टाइटल भी अपने साथ ही ले लो, बस इतना ही कहूँगा। अभी के लिए बहुत पिट रहे हैं डेर्बी और यहाँ पे थ्री ओमिगोज लगाने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई, ना थ्री ओमिगोज लगाने जा रहे थे, रिवर्सल हो गया है। खैर डेर्बी के पास उनका सिग्नेचर आ गया, डेर्बी सिग्नेचर लगाओ, डेर्बी सिग्नेचर, हाँ लगाने को कहा, नीचे क्यों फेंक दिया, नीचे नहीं फेंकने को कहा, टाइम बर्बाद करने को थोड़ी कहा था। खैर काउंट भी हो जाता है तो भी ये मैच खत्म हो जाएगा यानी कि डेर्बी जीत जाएंगे। खैर रेफरी काउंट कब करोगे कल? खैर वहाँ पे गजब को ड्रॉप की, क्या गजब को ड्रॉप की, कब के कहा रेफरी फाइनली अब काउंट करने लगा, रेफरी की याददाश्त चली गई थी शायद मेरी तरीके, रेफरी दो मिनट के लिए भूल गया था अरे काउंट भी करना है इस मैच में, फाइनली काउंट करना चालू किया है। क्या करते हैं रेफरी यार, पता नहीं क्या क्लिक है ये, क्या है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभार तो कह रहे हरिकेनाना के बाद ऊपर जाओ तभी तो कुछ होगा, ऊपर जाना सब फिनिशर लगाना चाहिए डेर्बी को, लेकिन कैसे लगाएंगे अभी के लिए कंट्रोल में लाना पड़ेगा उनको थोड़ा, ऑफकोर्स अपने आप कंट्रोल में लाना पड़ेगा और ऑफकोर्स डेर्बी को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि डोमिनिक थोड़ी देर के लिए यहीं नीचे गिरे रहें, इसीलिए ऑफकोर्स कॉर्नर फिनिशर टॉप रोप फिनिशर थोड़ा सा इस मैच में मुझे लगता है कि फायदेमंद नहीं है। लेकिन डोमिनिक यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, अब लेकिन डोमिनिक कुछ कर सकते हो मेरे भाई तो कर दो, अभी कर दो, टाइम बीतता जा रहा है, ड्रॉ हो जाएगा ये मैच, ऑफकोर्स ड्रॉ हो गया तो कहानी खत्म। और डोमिनिक क्या करने जा रहे हैं, डोमिनिक यहाँ पे जो भी करने जा रहे थे रिवर्स हो गया क्या, नहीं कर दिया डोमिनिक ने वो काम जो कि शायद अभी डेर्बी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक होगा, डोमिनिक ओपी इन द चेस्ट। और अब यहाँ पे गर्दा उड़ गया है डेर्बी का, 1-2 डेर्बी ने किक आउट कैसे कर दिया बिना रेजिलेंस गवाए, किक आउट कैसे करा इन्होंने पता नहीं, ये तो डेर्बी जाने है, अभी हराना है तो टाइम बचा है, डोमिनिक हरा सकते हो, बस थोड़ा सा डोमिनेट और कर दो, थोड़ा सा डोमिनेशन और बिल्कुल सही थी, ओमिगोस देने की क्या जरूरत थी, इसमें बहुत वक्त लगता है। चलो कोई नहीं, एक पड़ गया, एक और पड़ गया, चलो ठीक है इसके बाद पिनफॉल करना, लेकिन डेर्बी की हालत ख़राब कर दी डोमिनिक ने, मुझे लगा नहीं था कर पाएंगे। खैर एक और पड़ा पिनफॉल, हाँ रेजिलेंस जा सकता है डेर्बी का, 1-2 और यहाँ पर रेजिलेंस के नहीं गया, शॉक कर रहे हैं डेर्बी मुझे, फिर से एक अपोनेंट को इन्होंने फंसा लिया है, ऑफकोर्स डेर्बी मुझे शॉक कर चुके हैं, आशा है कि आपको भी करेंगे ही शॉक, ऑफकोर्स स्पीयर देने की दरकार, स्पीयर देंगे क्या, लगता तो है देना चाहिए, लेकिन रिवर्सल डेर्बी की तरफ से, डेर्बी ने रिवर्सल कर दिया है और ये फाइट अब मुझे लगता है ड्रॉ की तरफ बढ़ गई है। अगली बार रेजिलेंस नहीं दूंगा, वैसे रेजिलेंस तो यूज़ भी नहीं करा तो रेजिलेंस की क्या ही गलती है ना, रेजिलेंस तो यूज़ ही नहीं करी अभी तक तो रेजिलेंस की तो कोई गलती नहीं है। इधर खैर डेर्बी ने टाइम वेस्ट करने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, नीचे रोल आउट कर जाओ, टाइम वेस्ट करो, डोमिनिक नीचे नहीं जा रहे, उन्हें पता है टाइम वेस्ट हो रहा है। खैर टाइम वेस्ट हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स डेर्बी अपना टाइटल बचाने में एक बार और कामयाब हो जाएंगे। डेर्बी भाई साहब बार बार बच जाते हैं, पता नहीं कैसे बच जाते हैं, मतलब इनकी दाग देनी पड़ेगी एक बार तो, क्योंकि बार बार ड्रॉ करवाना भी आसान काम नहीं है। तो स्पीड टाइटल एक बार फिर से डोमिनिक ने बहुत मारा,
बहुत मारा, लेकिन ये मैच वापस से डेर भी जीतेंगे और चैंपियन अभी भी डेर भी रहेंगे। चलो अगली बार ऑफकोर्स रेजिडेंट छीन लूंगा जो भी जाएगा स्पीड चैंपियन के पास। खैर अभी के लिए ये वीडियो खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।